हेलो एवरीवन केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में दो रिसेप्टर्स आते हैं कीमो रिसेप्टर्स एक सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एक पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स नाम से आप याद रख सकते हैं कि सेंटर के आसपास है सेंटर कहाँ होता है मेड्यूला में तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स मैड्यूला में सिचुएटेड होते हैं और मेड्यूला की कौन सी सरफेस पे वेंट्रल सरफेस पे सिचुएटेड होते हैं तो ये डायग्राम है आपका आ, जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स है ये वेंटल सरफेस ऑफ मेडुला बनाई गई है जहां पे ये पिरामिड है थोड़ा सा इन उठा हुआ पार्ट बनाना है इस टाइप से थोड़ा सा रेज्ड पार्ट आपको बताना है तो दिस इज नोन एज पिरामिड्स ऑफ मेडुला ये पोन्स एंड मेडुला तो पोन्स और मेडुला के जंक्शन से जस्ट नीचे आ, ये, सिचुएटेड होते हैं सो देर आर ये जो है दो वो तरह के कीमो सेंसिटिव एरियाज के फॉर्म में मिलते हैं लाइक वन इज रोस्ट्रल Is से, आ, वर्ड बना है। तो जो टेल की तरफ होते हैं कॉर्डल बोलते हैं तो रोस्ट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया बाइलेटली एंड कॉर्डल कीमोसेंसिटिव एरिया ये दोनों ही आपके सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स के एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है न्यू रिसर्च कहती है कि इनके अलावा भी ब्रेन स्टेम में कुछ एरियाज में ये येमस सेंट्रल की रिसेप्टर्स पाए जा सकते हैं कौन 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 से एरिया में वन इज न्यूक्लियस एम्बिगुअस के पास में अब अगर आप याद रखें तो न्यूक्लियस एम्बिगुस आपने कहा पढ़ा था जब आपने पढ़ा था प्री बॉर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स वो कहाँ होता है न्यूक्लियस एम्बिगुअस एंड लेटिकुलर न्यूक्लियस के बीच में होता है वो मेड्यूला में था तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि वो न्यूक्लियस एम्बिगुस है न्यूक्लियस एम्बिगुअस में पाए जा सकते हैं हाइपोथेलेमस न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस में न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस सोलिटेरियस न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस भी मेडुला में ही होता है तो दीज आर फ्यू एरियाज़ जहां पर सेंट्रल की मोरिसेप्टर पाए जा सकते हैं न्यू रिसर्च है। मेजर जो है आपके रोस्टल एंड कॉर्डल

पी ए सीओ टू मेजर स्टिमुलस लेकिन इनका जो प्राइमरी स्टिमुलस है वो है आपका एच एन प्राइमरी स्टिमुलस इसका मतलब क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे सपोज करिए ये ब्रेन में सीएसएफ है यहां ब्लड है ब्लड से ये आ रहे हैं ब्लड है ब्लड से ये सीएसएफ में एड कर रहा है एंटर कर रहा है अगर आप ब्लड में एच एन को इंक्रीज कर दे ब्लड में एच को इंक्रीज कर यानी कि एसिडोसिस किस तरह के एसिडोसिस में होता है मेटाबोलिक एसिडोसिस मेंच आई एन यहां अगर ब्लड ब्रेन बैरियर है जिसमें मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाया है कि भाई ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर है जिसको हम बोल रहे हैं ब्लड ब्रेन बैरियर तो एच आई नॉट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते इसलिए यहां पे जो कीमो सेंसिटिव एरियाज हैं यानी सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं वो ब्लड के एच से स्टिमुलेट नहीं होते या बहुत कम होते हैं ठीक है लेकिन अगर आप दूसरी कंडीशन है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाए जो कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के केस में होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के केस में ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंक्रीज हो जाए दिस कार्बन डाइऑक्साइड कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर ये इंपॉर्टेंट चीज है दिस कार्बन डाइऑक्साइड कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर और ये सीएसएफ में चली जाती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड सीएसएफ सीएसएफ में जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है विद वाटर एंड इट गिव्स एच टू थ्री एच टू सीओ थ्री डिसोशियट इन टू एच आई प्लस एच सीओ थ्री और ये एच आई एन ये प्राइमरी स्टिमुल यही आपके सेंट्रल को स्टिमुलेट करता है एच आई एन स्टिमुलेट देंट्रल कीमो रिसेप्ट और ये थ्रू द न्यूरल मैकेनिज्म इट इंक्रीजेज वेंटिलेशन वेंटिलेशन बढ़ेगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई थी पहले शुरुआत कहाँ से शुरू हुई थी यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड वॉश ऑफ हो जाएगी बाहर निकल जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नॉर्मल हो जाएगा ठीक है यानी जो भी स्टिमुलस है उसको हमें नॉर्मल कर देना है फाइनली तो वेंटिलेशन बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड इज वॉश ऑफ हमेशा ध्यान रखना है जब भी वेंटिलेशन बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड वॉश ऑफ हो जाएगी यानी बाहर चली जाएगी और बॉडी में कम हो जाएगी तो ये जो स्टिमुलस है यानी कि अगर आप देखें तो सेंट्रल को स्टिमुलेट कौन कर रहा है एच आयन कर रहे हैं तो प्राइमरी स्टिमुलस कौन है एच आई एन डायरेक्ट स्टिमुलस कौन है एच आई एन लेकिन मैक्सिमम इफेक्ट किसका है कार्बन डाइऑक्साइड का तो जो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ब्लड में बढ़ेगी तभी इफेक्ट हो सकता है एच आई एन अगर ब्लड में बढ़ाएंगे तो नहीं इफेक्ट आएगा तो एच आई एन जो है वो मेजर स्टिमुलस है लेकिन प्राइमरी स्टिमुलस एच आई एन ही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एच आई एन की में ही कन्वर्ट होकर इसको अफेक्ट करती है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यह आप सी एस एफ में किस तरीके से अफेक्ट होती है ये हो गया आपका सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स और उसका मैकेनिज्म लेकिन अगर हम बॉडी में ओवरऑल देखें तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स और सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स ये साथ साथ स्टिमुलेट होते हैं जो बॉडी में जब भी हाइपोक्सिया होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज होती है यानी हाइपोक्सिया और हाइपरकैपनिया यानी एंड साथ में एसिडोसिस ये सब ऑलमोस्ट साथ साथ होते हैं मैकेनिज्म तो पेरीफरल सेंट्रल कीमो रिसेप्टर साथ साथ स्टिमुलेट करते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज करते हैं जैसे हाइपोक्सिया अगर हम हाइपोक्सिया का इफेक्ट अकेले देखें तो सपोज ए है जस्ट फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर इस हाइपोक्सिया का इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ हाइपर कैपनिया देखें तो ये बी है और बी इज मोर देन ए जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए तो मतलब अंडरस्टैंडिंग से ये कह रहे हैं कि हाइपोक्सिया का इफेक्ट की प्रेजेंस में इंक्रीज हो जाता है और सेम ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट कि डिक्रीज इन पीओटू की प्रेजेंस में ज्यादा हो जाता है तो एक दूसरे को ये एक तरह से ऑगमेंट करते हैं बढ़ाते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को ओके सो दिस इज अबाउट देंट्रल कीिसप्ट एंड कंबाइंड इफेक्ट दोनों का